नमस्कार मित्रों, राजीव कुशवाहा कीबोर्ड गुरु चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको यामाहा PSR I425 कीबोर्ड में वायलिन की टोन को मॉडिफाई करना, यानी कि वायलिन की टोन को के पैरामीटर्स बता रहा हूँ मैं। उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने कीबोर्ड में बनाइएगा एक बहुत ही प्यारा वायलिन टोन। तो दोस्तों, पहले काम की बात कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आप लोग देख सकें मेरे वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कीबोर्ड ऑन करके इसके बाद वॉइस बटन पे टैप करना है, और जो टोन लेनी है आपको वो लेनी है आपको स्लो वायलिन, जो कि 282 नंबर पे मिल जाएगी आपके। 282 नंबर की टोन को सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद फंक्शन बटन पे टैप कीजिएगा। अब जो भी पैरामीटर मैं बताऊं उनको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ट्रांसपोज तो 0-0 रहेगा, ट्यूनिंग को छेड़िएगा नहीं, पीबी रेंज 0-2 रखिएगा, स्पीड पॉइंट 0-54, टच सेंस शार्प 1। अब आ जाइए मास्टर वॉल्यूम, मास्टर वॉल्यूम 127 रखना है आपको, मास्टर ऑक्टेव 0 रखना है, मास्टर पैन 064 रखना है, मास्टर रिवर्ब 100 रखना है, मास्टर कोरस 000 रखना है, मास्टर अटैक 064 रखना है, मास्टर रिलीज़ इसको भी 064 ही रखना है, मास्टर कट ऑफ इसको 104 सेलेक्ट करना है, 104, मास्टर रेजो 094 रखना है। अब आ जाइए दोस्तों डुअल वॉइस। दोस्तों डुअल वॉइस में आपको स्लो स्ट्रिंग लेना है, जो कि 052 नंबर पे आपको मिल जाएगी यामाहा PSR I455 में, सॉरी I425 में स्लो स्ट्रिंग 052 नंबर के टोन को सेलेक्ट कीजिएगा डुअल वॉइस में। इसके बाद डुअल वॉल्यूम आप 80 रखिएगा, डुअल ऑक्टेव 0 रहेगा, डुअल पैन 064 रखिएगा, डुअल रिवर्ब 100, डुअल कोरस 000 और डुअल अटैक 064, डुअल रिलीज इसको भी 064 रखिएगा, डुअल कट ऑफ 104, डुअल रेजो 094। अब आ जाइए स्प्लिट वॉइस में आपको फंटेशिया 106 नंबर की टोन को सेलेक्ट करना है फंटेशिया के नाम से स्प्लिट वॉइस में। अब स्प्लिट वॉल्यूम 70 रखिएगा, स्प्लिट ऑक्टेव 2 रखिएगा, स्पीड पान 064, स्पीड रिवर्ब 100, स्पीड कोरस 000। अब आ जाइए रिवर्ब आपको हाल 303 सेलेक्ट करना है, कोरस टू सेलेक्ट कर लीजिएगा, मास्टर इक्वलाइजर स्पीकर 1 रखिएगा। बस मित्रों, यही थे मेजर पैरामीटर सेटिंग। हार्मोनिक बंद कर रखा है इसलिए हार्मोनिक से कोई मतलब नहीं है। यही थे मेजर पैरामीटर्स वायलिन टोन के। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, टच बटन ऑन रखना है, डुअल बटन ऑन रखना है, स्प्लिट बटन ऑन रखना है और एक्यूम भी ऑन रखना है। अब आपको जिस नंबर में शेप करना है उस नंबर पे आप शेव कर सकते हैं। मैं बैंक नंबर से आके फर्स्ट रजिस्टर में सेव करके दिखा रहा हूँ। सेव करने का तरीका बहुत आसान है, मेमोरी बटन को टैप करके और वन को भी मैंने टैप कर दिया और ये टोन सेव होना प्रारंभ होगी और टोन सेव हो चुकी है। चलिए इसका डेमो सुनते हैं कि टोन कैसी बनी।
बहुत ही प्यारा वायलिन टोन बना है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो दोस्तों टोन कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर करिएगा अधिक से अधिक। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टोन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।